नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ये एकेडमी 123 पर। आज अपन समझेंगे सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट बाइंडिंग और ऑब्जेक्ट के अंदर अरे को कैसे एसोसिएट करना है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। तो आज का वीडियो सी प्लस प्लस का है। तो सबसे पहले मैं अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। आपको जस्ट अपना कोड ब्लॉक ओपन करना है, इसको इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। और यहाँ हम समझेंगे किस प्रकार से एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हमें इंसर्ट करना है, एज, डेथ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ उसके रिलेटेड हो वो सब कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने प्रोजेक्ट बना रखे वो सारा कुछ है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अब मुझे करना है कंसोल एप्लीकेशन। जैसे यहाँ करने के बाद मैं गो कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद एज इट इज़ छोड़ना है और ये रखना है सी प्लस प्लस में ही मैं कोडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ से नेक्स्ट करना है और प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ अरे, ठीक है, अरे का मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया या फिनिश किया तो जैसे ही ये कुछ देर में फिनिश हो जाएगा और इसका मेरे पास डेमो प्रोजेक्ट बना हुआ आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये अब जस्ट क्रिएट हो रहा है और इन ए फ्यू सेकंड ये चीज़ बनकर आ गई। अब यहाँ पर आना है राइट हैंड साइड में दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सोर्सेस में आकर आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। जैसे मैं एक्सपेंड करूँगा तो मेन डॉट सी पी पी फाइल आ रही है, इस फाइल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने हटा दी इस फाइल को और मैंने अपनी दूसरी फाइल पेस्ट कर दी आपके सामने। और मैं इसका एक एक कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ फॉन्ट्स को। ये बढ़ चुके हैं फॉन्ट आपके सामने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फॉन्ट्स के अंदर जो समझने वाली बात है, थोड़ा सा मैं बस साइज़ में इसको यहाँ कर दिया। और यहाँ करने के बाद अभी एक एक बात अपन समझते हैं। तो यहाँ देखेगा ये क्या है, हेडर फाइल्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम होती है उसके लिए काम आ रहा है ना। यहाँ पर आ रहा है यूजिंग नेम स्पेड नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसी को लेना। अब यहाँ पर मैंने ली है एक क्लास, क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय नाम की मैंने क्लास बनाई है और उसके कुछ मैंने वेरिएबल्स ले लिए है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या क्या वेरिएबल, एक कैरेक्टर लिया जिसके अंदर नेम है, नेम के अंदर नेम को मैं 30 कैरेक्टर को ले सकता हूँ, अर्थात कैरेक्टर की मेरा जो यूज़र का नाम एंटर करूँगा उसके अंदर 30 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार से मैं फ्लोट यानी उसकी एज को मैं ले सकता हूँ। इसी प्रकार कैरेक्टर का एड्रेस भी ले सकता हूँ जिसमें एड्रेस या कैरेक्टर लेंथ 50 होगी। इसी प्रकार से मैंने कैरेक्टर दूसरा भी लिया, पोस्ट कुछ भी हो सकती है उसकी, ठीक है। और दो फंक्शन मैंने बनाए, पब्लिक फंक्शन है और इनका इनका नेचर बाय डिफ़ॉल्ट जो जो क्लासेस होती है वो क्या होती है, वो होती है प्राइवेट होती है ना। स्कोप रेजोल्यूशन में पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे अगली वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर पब्लिक के अंदर दो मैंने बनाए हुए, एक तो गेट डाटा यानी मैं यूज़र से डाटा लूँगा, वो एक मैंने फंक्शन बनाया उसका नेचर मैंने पब्लिक रखा। सिमिलरली मैंने एक शो डाटा यानी डाटा को डिस्प्ले करने के लिए एक मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, यानी एक फंक्शन से मैं डाटा यूजर से लूँगा, दूसरे फंक्शन में डाटा को शो करूँगा। दैट्स ऑल, ये चीज़। अब अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस फंक्शन को मैंने क्या करा, डिफाइन करा। और ये क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इसका स्कोप तय हो रहा है कि जो गेट डाटा फंक्शन जो है वो एम्प्लॉय नाम के क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब कभी भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट डाटा को, तो मुझे इस क्लास का नाम को मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिहाफ पर ही ये कॉल हो पाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ मैंने फंक्शन के अंदर एंटर द एम्प्लॉय नेम और यहाँ से सी आउट के तहत ये होगा शो, और फिर वो जो भी यूज़र एंटर करेगा नेम वो नेम नाम के वेरिएबल में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से एज भी स्टोर हो जाएगी, इसी प्रकार से एड्रेस और इसी प्रकार से पोस्ट स्टोर हो जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पर रखा आपके पास दूसरा फंक्शन एम्प्लॉय नाम का फंक्शन, और यहाँ पर शो डाटा या डिस्प्ले डाटा नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट किया। इसके भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन के अंदर जो इंट्रीज हुई है उन सबको मैं शो करूँगा। शो करने के लिए जो एम्प्लॉय नाम का जो भी उस एम्प्लॉय ने अपना नाम एंटर किया होगा वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गया होगा, तो वो यहाँ आके डिस्प्ले हो जाएगा। एज जो एंटर करी वो डिस्प्ले हो जाएगी, एड्रेस जो एंटर किया वो डिस्प्ले हो जाएगा, और पोस्ट जो एंटर करी होगी वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। और ये स्लेशन लगाया है या मैं एंड एल भी लगा सकता हूँ जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्टेंट लिया और उसमें साइज मैंने दीदी 3, अर्थात कहने का अर्थ है कि मेरे जो फॉर लूप होगा वो 3 बार चलेगा, अर्थात कहने का अर्थ है कि 3 एम्प्लॉय की मैं डिटेल्स ले सकता हूँ अल्टीमेटली बात समझ में। और यहाँ से ये इंट मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है। अब इसमें से मैंने मेन फंक्शन को कॉल करना प्रारंभ किया, ठीक है। अब इंट मेन जो मेरा है ये अल्टीमेटली मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का यहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है। तो वही मैंने कहा था कि एम्प्लॉय नाम की मेरी जो क्लास है उसके बिहाफ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर किया। यस, मैनेजर नाम का मेरा
अरे है, इसको डिक्लेयर किया और इस अरे को साइज कर दिया मैंने, कितना साइज है यहाँ पर, 3 4 6, जितना भी साइज रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। ओके, तो ये मैनेजर जो है ये मेरा है, अरे है और साइज इसमें इसका साइज है, और एम्प्लॉय, तो ये जो मेरा अरे हो रहा है ये किसके अंदर है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है बात कि अगर मैं मैनेजर नाम का फंक्शन लेता हूँ तो इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इसको फॉर लूप में डाल सकता हूँ, या तो चाहूँ तो मैं इसका अलग अलग भी इनपुट लेना पड़ेगा, लेकिन ये कोड मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा तो मेरी कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको फॉर लूप में डाल दिया है ना। और मैनेजर जो इसका ऑब्जेक्ट था, ये इसका जो अरे था, उसको डॉट ऑपरेटर के द्वारा कॉल करवा दिया, किसके साथ, गेट डाटा के साथ। यानी ये जो मैनेजर जो है, ये जो है इसके अंदर गेट डाटा से जो भी इनपुट आएगा वो मैनेजर में इस मैनेजर नाम के अरे के अंदर इनपुट होती चली जाएगी, और ये 3 बार जाएगी। सिमिलरली मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो इनपुट इंटरेस्ट हो चुके, शो करने के लिए मैंने यहाँ पर वो वापस दूसरी बार क्या करा, दूसरा फॉर लूप लिया। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट इन हुई थी वो वापस आउट होगी, यानी यहाँ पर ये जो फॉर लूप है इस गेट डाटा फंक्शन को 3 बार चलाएगा और 3 बार यूजर से इंटरेस्ट लेगा। उसी प्रकार फिर ये फॉर लूप इसके बाद जब मेरा कंट्रोलर वहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, फिर क्या करने वाला है ये, फिर करने वाला है मुझे वापस डिस्प्ले करेगा और 3 बार डिस्प्ले करेगा जो भी इसकी वैल्यूज होगी। तो यहाँ पर मैंने शो डाटा फंक्शन को कॉल कर दिया सिंपल सा, और ये सब कुछ हो ये मैंने रिटर्न 0 करवा दिया, मैं कुछ और रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, और यहाँ से मेरा ये करले बंद हो गया। ठीक है, तो ये एक एक ये पूरा था। अब मुझे इसको क्या करना, बिल्ड करना पड़ता है ना, तो ये यहाँ से बिल्ड हो जाएगा, कोई एरर नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रन होता है, यहाँ से बिल्ड के अंदर जाके भी रन कर सकते हो, है ना, एक एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ और ये मेरा रन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये कुछ ना कुछ वैल्यूज मांगता चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज इंटर करता हूँ। सपोज मैं अपनी वैल्यू इंटर करता हूँ शाम, ठीक है, और मैंने इंटर एज की मान लो कि 24 फॉर एन एग्जाम्पल, और एड्रेस मान लो कि मैंने डेली इंटर कर दिया, और मैं पोस्ट मान लो कि मैनेजर की ही इंटर कर रहा हूँ, और दूसरा मतलब दूसरी बार लूप चला है, मैं नाम दे देता हूँ अब अशोक, है ना, और एज मान लो कि 23 दे दी मैंने, और एड्रेस मान लो कि दे दिया बॉम्बे। ओके, और फिर आपके पास पोस्ट में मैंने दे दिया मान लो कि क्लर्क है। ठीक है, एंड देन फिर अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ या बड़ा कर लेता हूँ, इंटर द नेम, नेम मान लो कि फिर मैंने ये थर्ड के लिए आ चुका है, अशोक हो गया। फिर मान लो कि आप राजेश कह दीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी, है ना, और एज मान लो कि 25 कर दिया आपने, और एड्रेस मान लो कि इनका हैदराबाद कर दिया। ठीक है, तो ये हैदराबाद एड्रेस हो गया, और इनका पोस्ट मान लो कि आपके पास कुछ भी पोस्ट नाम दे दिया, SI सब इंस्पेक्टर फॉर एन एग्जाम्पल। और ये जैसे ही मैं इंटर करूँगा दोस्तों, तो तीनों इंट्रीज जितनी बार भी हुई ना, सारी एक साथ वापस डिस्प्ले हो जाएगी। यस, ये डिस्प्ले हो गए। ये आपके पास आया था कि एम्प्लॉय नेम शाम, एज 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये मैनेजर वन की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है ना, यानी यह मैनेजर की जगह में ऑफिसर भी ले सकता था, तो ये ऑफिसर वन की इन्फॉर्मेशन आई, फिर ये ऑफिसर टू की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई, और इसी प्रकार ऑफिसर थ्री या मैनेजर थ्री की इन्फॉर्मेशन जो मैंने इनपुट की थी वो डिस्प्ले हुई, और एग्जीक्यूशन टाइम 68 सेकंड, 0.890 सेकंड मुझे लगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के। तो ये मैंने कोड ब्लॉक के अंदर एक्सप्लेन किया दोस्तों, और ये आप जितना चाहो उतना इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और भी फंक्शन ऐड कर सकते हो, है ना, यहाँ पर इंट्रीज और भी इंक्रीज कर सकते हो, जेंडर भी आ सकता है ना, आपके पास मोबाइल नंबर का भी इसके अंदर कॉलम ऐड कर सकते हो, ये सब कुछ करके आप इसको शो कर सकते हो। तो वीडियो यहीं तक।